नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत किला रोड सरकारी इमामबाड़ा मोहल्ले में रंगदारी को लेकर चली गोलियां। मौका स्थल पर पहुंचे शहर थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने एक युवक, दो मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस, एक चला राउंड किया बरामद। जानकारी अनुसार शहर के किला रोड स्थित सरकारी इमामबाड़ा मोहल्ले में शाम 6:30 पर दो बाइक पर सवार आए युवकों ने मोहल्ले में एक के बाद एक फायर करते हुए दहशत फैला दी। झगड़े का कारण बताया गया है पुरानी रंजिश के कारण। फरियादी उमरान हुसैन, पिता कुर्बान हुसैन, उम्र 29 साल, निवासी सरकारी इमामबाड़ा भिंड की मारपीट करने लगे। जब पास में खड़े हुए अन्य लोगों ने बीच बचाव कराया तो आरोपी पक्ष के द्वारा अवैध कट्टे से फायर कर दिया। मौका स्थल पर खड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने शहर कोतवाली को फोन कर घटना की सूचना दी, जब तक आरोपी भाग खड़े हुए, जिसमें एक आरोपी को मौका स्थल पर शहर पुलिस ने पकड़ लिया, जहां एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्टार मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस, एक चला हुआ कारतूस बरामद कर मामले की जांच कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। तीन आरोपियों के खिलाफ हुआ मामला पंजीबद्ध। प्राइम न्यूज 24 के लिए भिंड से इमरान अली खान। ये अपने शहर के अंदर एक सरकारी इमामबाड़ा करके जगह है, वहाँ पे ये रहता है उमरान हुसैन, जो फरियादी है। इससे आशिफ कुरैशी, आदिल खान और राहुल जाटव, ये तीनों से विवाद हुआ। इनका कोई पुराना झगड़ा चलता है उस बात को लेके। तो ये जो है फरियादी उमरान की मारपीट करने लगे तीनों लोग। वो चिल्लाया तो दो तीन लोग और बचाने के लिए आए, तो एक दो को और चोट लगी है। जब उनने देखा कि मोहल्ला, हालांकि वो जो सरकारी इमामबाड़ा है वो काफ़ी सकरी गली है और बहुत लोग वहाँ रहते हैं, तो जरा सा कोई हल्ला गुल्ला होता है तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे लोगों को आते देखा तो वो लोग भगे, उन्हें लगा कि अब हम गिर जाएंगे, तो उनने कट्टे से हवाई फायर करते हुए वो पीछे की गली से भाग गए। बाइक मौके पे छोड़ गए थे दोनों की बाइक फरियादी के द्वारा जब्त कराई गई हैं, और राहुल जाटव को वही मौके पे लोगों ने पकड़ लिया था, जिसको की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। और आशिफ और ये आदिल हैं, उनकी गिरफ्तारी भी अतिशीघ्र कर ली जाएगी। मौके स्थल पर कोई कारतूस भी मिले थे? एक खाली खोखा मिला है और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अगर ऐसा है तो वो सब जब्ती में आएगा, कार्रवाई में आएगा।